this is the next question first let's see an equilateral triangle and a square are constructed using metallic wires of equal length what is the ratio of area of triangle to that of square options are given first let's see okay so what is given to you

ठीक है यहां से a अपॉन बी कितना आ गया फोर अपॉन थ्री ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब एस टू बी इज इक्वल टू फोर टू थ्री आ चुका है इसका मतलब ए इज बी कितना आ चुका है four is to three. इससे क्या होगा अब आपको क्या निकालना है रेशियो ऑफ देयर एरिया रेशियो ऑफ देयर एरिया ध्यान से देखना बहुत सिंपल है एस टू बी आ चुका है अगर थ्री इज टू फोर अगर एस टू बी इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर

एरिया तो इक्वेलेटल ट्राइंगल और स्क्वायर का एरिया क्या होता है तो ऐसे ले लूंगा एरिया ऑफ इक्विटल ट्राइंगल अपॉन एरिया रूट थ्री ओके एंड वट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड कितने यहां पर स्क्वायर की बी स्क्वायर जस्ट वैल्यूज ए कितना है फोर एक्स फोर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फोर रूट थ्री अपॉन बी स्क्वायर इज हाउ मच थ्री एक्स का होल स्क्वायर ओके ओके तन्मय स्क्शाल इज ऑल्सो देर नाउ लाइफ अच्छा विजय कुमार कह रहे हैं कि डी सही है चलो देख लेते हैं अब तो कैलकुलेट करना इट्स वेरी इजी तो वो जाएगा फोर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट थ्री अपॉन फोर ठीक है

4 root 3 is to 9 is the answer mandip chatterjee is also live now 4 root 3 is to 9 c is the right answer c is the right answer okay 4 root 3 is to 9 okay